अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक और मज़े में हो। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा बस सिमुलेटर इंडोनेशिया गेम में लाइटिंग कैसे ऐड होगी। जैसे कि आप लोगों को वीडियो में नज़र आ रहा है, हमने ऑलरेडी बस पे लाइटिंग ऐड किया है। तो बस के अंदर भी लाइटिंग है और साइडो पर भी लाइटिंग है और फ्रंट शीशे पर भी लाइटिंग है। तो यह लाइटिंग कहाँ से डाउनलोड होगी और गेम के अंदर किस तरीके से ऐड होगी, सारा तरीका कार मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को आपने शुरू से लेकर एंड तक हमारे साथ लाजमी देखना है ताकि वीडियो का हर पार्ट आप लोगों को सही तरीके से समझ में आ जाएगी। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपने क्या कर देना है, बस की जो अपने लाइटिंग है मतलब ओरिजिनल लाइटिंग है वो आपने लाजमी लगाना है। तो वो लाइटिंग कैसे ऐड होगी, आपने गैरेज वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो गोल दायरे नज़र आ रहा है आपने इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये मैंने पहले से भी लगाया है, ठीक है। अगर आपने नहीं लगाया तो ये वाला ओरिजिनल लाइट लगाओ, फिर उसके बाद ये एक्स्ट्रा लाइटिंग जो है बस के अंदर लाइटिंग जो है वो बस पे आएगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने ऑलरेडी लगाया है, ठीक है। तो आपने बस लगाना है अगर आपने अभी तक नहीं लगाया, ठीक है। तो ये बस के अंदर लाइटिंग जो है ये कैसे आएगी, तो इसका तरीकाकार मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस लाइटिंग पैल का जो डाउनलोड लिंक है आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन से लिंक कैसे डाउनलोड होगी तो अभी आप लोगों को तरीकाकार बताऊँगा। तो डाउनलोड करने के लिए आपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आना है। तो फ्रेंड, लाइटिंग पैल डाउनलोड करने का तरीकाकार ये है कि आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। जब आप उस लिंक पर क्लिक करें तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगी। तो आपने इस वाली ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्लिक हेयर टू कंटिन्यू, इस पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर आपने सिर्फ 15 सेकेंड वेट कर देना है। यहाँ पर आप देख सकता है तो ये थोड़ी सी ब्लर भी हो जाएगी, एड आ जाएगी। आपने एड्स पे क्लिक नहीं कर देना है, सिर्फ 15 सेकेंड वेट कर देना है, ठीक है। तो 15 सेकेंड वेट करने के बाद डबल टैप टू गो टू लिंक, इस वाली ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है और उसके बाद ऊपर आ जाना है, ठीक है। तो प्लीज़ वेट, इस पे आपने क्लिक कर देना है और उसके बाद डबल टैप टू गो टू लिंक, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। आपने यहाँ पर सिर्फ 15 सेकेंड वेट कर देना है, ठीक है। तो 15 सेकेंड वेट करने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है, और भी नीचे आ जाना है। तो ब्लू कलर का कंटिन्यू बटन मिल जाएगी, यहाँ पे आपने इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपने सिर्फ 3 सेकेंड वेट कर देना है, ठीक है। तो 3 सेकेंड वेट करने के बाद आपने गिफ्ट लिंक पे क्लिक कर देना है और उसके बाद जो है मीडिया पैर का लिंक आ जाएगी, इस लिंक पर क्लिक करो। तो यहाँ से लाइटिंग पैर का जो डाउनलोड लिंक है डायरेक्ट डाउनलोड होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने लाइटिंग का लिंक डाउनलोड कर देना है। तो दोस्तों, यह है डाउनलोड करने का तरीका। अभी आप लोगों को बताऊंगा कि यह लाइटिंग गेम के अंदर किस तरीके से ऐड होगी। तो आपने मोबाइल के स्क्रीन पे आना है। तो मोबाइल स्क्रीन आने के बाद आपने आना है जेड आर्चवर ऐप में, ठीक है। तो जेड आर्चवर ऐप आने के बाद डाउनलोड वाला पोर्टल पे आना है। जब भी आप डिस्क्रिप्शन से फाइल का लिंक डाउनलोड करें तो सीधा डाउनलोड पोर्टल में आएगी। तो डाउनलोड पोर्टल आने के बाद इस तरह की जेप फाइल आ जाएगी, यहाँ पे आप देख सकता है। तो आपने इस फाइल पे क्लिक कर देना है और उसके बाद स्ट्रैक हेयर पे क्लिक कर देना है। तो स्ट्रैक हेयर क्लिक करने के बाद एक फोल्डर बन जाएगी यहाँ पे, न्यूज रिकंडी बस लाइटिंग V4.2 अपडेट। तो आपने इस फोल्डर पे क्लिक कर देना है और उस फोल्डर के अंदर आप लोगों को ये 3 फाइलें मिल जाएगी, ठीक है। तो ये 3 फाइलें आपने यहाँ से कॉपी कर लेनी, ठीक है। दबाव के रखना है, कॉपी पे क्लिक कर देना है, बैक आ जाना है, ठीक है। बैक आ जाने के बाद एंड्रॉयड वाला फोल्डर पे आना है, OBB फोल्डर, गेम का जो फोल्डर है उस पे आना है, मैन OBB एसेट बिन डेटा। तो उसके बाद ये फाइलें जो है यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से काम ख़त्म हो गया। तो अभी हम गेम को ओपन करेगा कि आया हमारे बस पे ये लाइटिंग ऐड हो गया या नहीं। तो अभी हम गेम को ओपन करेगा। तो फ्रेंड, हमारा गेम जो है ओपन हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकता है बस पे जो लाइटिंग है वो ऐड है, बस के अंदर भी लाइटिंग है और फ्रंट शीशे पे भी लाइटिंग है और शेडो पे भी लाइटिंग है और पीछे भी लाइटिंग है, यहाँ पे आप देख सकता है। तो इस तरीके से आपने लाइटिंग डाउनलोड कर देना है और गेम के अंदर ऐड कर देना है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक कमेंट लाजमी करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। तो मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।